अब बात करते हैं इसको लगाना कैसे। लगाना सिंपल तरीका है, आपको अपने हेयर की रूट में अच्छे से, जैसे आपका भाई लगा रहा है ऐसे। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए। तो गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा आपको अनियन जूस के बारे में। आप अभी YouTube पे सर्च करोगे तो कई हज़ारों वीडियो आ जाएंगी अनियन के ऊपर। मैंने खुद बनाया है अनियन के ऊपर वीडियो, जो कि अभी 1 मिलियन के करीब होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा अनियन जूस अगर आप लगाते हो पहले तो सही तरीका क्या है लगाने का, और एकदम सिंपल तरीका बताऊँगा, और कितने दिन में हेयर रिग्रोथ हो सकता है ये बताऊँगा इस वीडियो में। कैसे लगाना है कि आपका हेयर रिग्रोथ हो, और क्या क्या करना है जिससे आपका हेयर रिग्रोथ हो और हेयर ग्रोथ हो, और हेयर फॉल कैसे स्टॉप हो, और इसको कब तक अपने हेयर पे रखना है, स्कैल्प पे रखना है, स्कैल्प पे लगाना है कि नहीं लगाना, सारी चीजें इस वीडियो में तुम्हारा भाई बताएगा। और आपने 7 डेज इसको चैलेंज को एक्सेप्ट अगर किया, और जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया 7 डेज तक किया था, आपको जो रिजल्ट है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और आप खुद इस वीडियो में आओगे कमेंट करोगे कि ध्रुव भाई आपने जो बताया वो वर्क कर रहा है 100%। तो मेरे भाई उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को कहीं पे छोड़ के मत जाना। मैं बना के खुद दिखाऊंगा कौन सी अनियन चाहिए ये भी बताऊंगा, क्योंकि अनियन भी आती हैं, वाइट अनियन आती है, रेड अनियन आती है, थोड़ी येल्लो टाइप की भी आती हैं, तो कौन सी अनियन आपके लिए बेनिफिट देगी आपके हेयर को सब बताऊंगा। तो मेरे भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे भाई की छोटी सी इतनी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो और मुझे आप पहली बार देख रहे हो तो आपको क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब का जो बटन है उसको सब्सक्राइब करना, और तुरंत ही लाइक कर देना है वीडियो को, तो इतना कर देना। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा की लिंक तुम्हारा भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, वहां जाके आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि अनियन के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट, बड़े बड़े प्रोडक्ट आ गए हैं, मैं नाम कंपनी का नहीं लूंगा, बहुत बहुत बड़े ऑयल आ गए हैं, शैम्पू आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई अनियन के ऊपर, क्यों वर्क कर रहा है इसलिए मेरे भाई आई है। तो बट आपको मैं जो बता रहा हूँ वो 100% एकदम नेचुरल है, घर का है, 0% आपको पैसा नहीं लगना, और वो चीज़ आपके घर में अभी भी होगी। सिर्फ इसमें आपको क्या चाहिए, एक अनियन। अनियन कौन सी चाहिए ये अभी बताऊंगा, और कैसे लगाना है ये बताऊंगा। पहले तो सबसे पहले कैसे बनाना है ये दिखाऊंगा, फिर कैसे लगाना है ये बताऊंगा, और लास्ट में इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और कैसे हेयर रिग्रोथ हो सकता है ये सब मैं आपको पूरा इस वीडियो बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं बना के आपको दिखाते हैं। तो गाइस आपको चाहिए रेड अनियन, हाँ मेरे भाई लाल प्याज चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में। इसको अच्छे से आपको कट करना है और अच्छे से इसको छीलना है, और हाँ मेरे भाई ये ध्यान रखना कि जब कट करना अच्छे से छीलना तो इसका जो क्या कहते हैं येलो पार्ट होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसको कैसे कट करके आपको हटाना है। तो आपको ऐसे कट करना है, और इसको अगर ऊपर थोड़ा सा भी छिलका है तो उसको हटा देना है। हटाने के बाद इसका जो प्याज का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो येल्लो पार्ट होता है, वाइट वाइट होता है थोड़ा सा, उसको जैसे मैं ये कट कर रहा हूँ ऐसे कट करके आपको निकाल देना है। तो चलिए प्याज को अच्छे से कट कर लेते हैं। तो मेरे भाई देख सकते हो प्याज पूरी कट हो गई है। अब इसको क्या करना है, इसको आपको मिक्सी में अच्छे से मिक्स करना है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1 मिनट लगेगा, अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसके बाद क्या क्या करना है आपको। आप देख सकते हो ये अच्छे तरीके से पूरा वो हो गया है, मिक्स हो चुका है। अब इसको आपको कटोरी में निकालना है, और या तो आप छन्नी की मदद से, या किसी सूती के कपड़े की मदद से, या तुम जैसे मैं अपने हाथ से निचोड़ के इसके जूस निकाल लूँ ऐसे आप निकाल सकते हो, कोई भी तरीका आप अपना सकते हो, ये आसान लगा मुझे, मैंने अपनाया। तो ऐसे निचोड़ के आपको इसका पूरा जूस निकालना है। तो चलिए आपको जूस निकाल के दिखाते हैं। पर भाई अनियन जूस रेडी हो गया लगाने के लिए, चलिए आपको लगा के दिखाते हैं। तो जूस अभी हमारे हाथ में बन के रेडी हो गया है। अब इसका क्या है लगाने का प्रोसेस, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें देखो पहले बता दूँ स्मेल आती है अनियन की, स्मेल जाहिर सी बातें आएगी। तो अगर स्मेल से बचना है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 2-3 ड्रॉप या 4 ड्रॉप ऑयल डाल सकते हो, कोई भी ऑयल डाल सकते हो, कोकोनट ऑयल डाल सकते हो, बट मैं बोलूँगा थोड़ा सा स्मेल सह लो, और इसको सिर्फ बिना ऑयल के अभी फ़िलहाल सिर्फ अनियन जूस, फ्रेश अनियन जूस निकाल के ऐसे यूज करो।
और कुछ नहीं इसमें मिक्स करो। अब बात करते हैं इसको लगाना कैसे। लगाना सिंपल तरीका है, आपको अपनी हेयर की रूट में अच्छे से, जैसे आपका भाई लगा रहा है ऐसे अच्छे से आपके हेयर की रूट में लगना चाहिए, अच्छे से आपको ऐसे लगाना है। तब तक जब तक लगा रहा हूँ तब तक इसके बेनिफिट के बारे में बताता हूँ, अनियन क्यों लगाना है, क्यों आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है या जो भी है। तो आपको इसमें सल्फर भरपूर मिलता है। सल्फर क्या करेगा, आपकी हेयर ग्रोथ में मदद करेगा मेरे भाई, और ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। और ब्लड सर्कुलेशन अगर बूस्ट हो रहा है जहाँ पे भी आप, अगर अपने स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट कर रहे हो, तो आपकी हेयर रिग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, कन्फर्म है। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये आपको भी पता है। और हाँ, हेयर फॉल की प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा, डैंड्रफ की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है इसमें जो आपकी स्काल्प हेल्थ को अच्छा करेगा, कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको ये दूर करने में मदद करेगा। सबकी स्कैल्प क्वालिटी, हेयर क्वालिटी अलग है, तो सब पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क करेगा। मेरे पे जो वर्क किया वो बहुत आप पे करेगा, बट सबकी, ये पहले मैं बता दे रहा हूँ, सबकी अलग अलग इस क्वालिटी है हेयर की और स्कैल्प की। तो आप इसको अगर यूज कर दो, किसी पे बहुत जल्द रिजल्ट देगा, किसी पे थोड़ा टाइम लगा के देगा। बट हाँ, सबसे अच्छी बात इसकी है कि एकदम 100% नेचुरल है। आप अपनी आंखों से बनाओ, खुद बनाओ, घर में यूज करो, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं। बेनिफिट की तो अभी बात कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो कैसे आपको लगाना है, पूरा आपको एकदम रूट में अच्छे से, खूब अच्छे से लगाना है। मैं अभी वीडियो शूट करने के बाद भी अच्छे से लगाऊंगा, क्योंकि इसको जितनी अच्छे से आप लगाओगे उतना आपको बेनिफिट देगा। और हाँ, ये याद ध्यान देना मेरे भाई कि जब भी आप इसको यूज कर रहे हो ना, तो आपका हेयर क्लियर होना चाहिए, गंदे हेयर पे मत करना। क्लियर हेयर रहे, पानी से वॉश कर लो, बिल्कुल क्लियर रहे, तब आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इसको यूज करने के बाद जो तरीका मैं बता रहा हूँ कि लोग, आप देखो 7 डेज़ का चैलेंज है, ठीक है, 7 डेज़ का चैलेंज मैं अभी दे रहा हूँ। उसके बाद आप हफ्ते में 2 बार लगाना, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी 7 डेज़ आपको रेगुलर लगाना है। आपका जैसे बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आप ऑयलिंग से डर रहे हो, शैम्पू से डर रहे हो, तो आप 1 हफ्ते के लिए इसको लगाओ और स्किप कर सकते हो। आप ऑयलिंग से अगर बहुत डर लग रहा है तो वैसे लगा सकते हो, बट आपको डर लग रहा है तो छोड़ दो, 1 हफ्ते सिर्फ इसको लगाओ डेली। कितनी देर लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लगाना है 2 घंटे या 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे के अंदर तक आप लगा सकते हो, लगा के मतलब रख सकते हो अपने स्कैल्प पे हेयर में। उसके बाद आपको, अब जाहिर सी बात है, 7 दिन लगातार करोगे, 7 दिन आपको शैम्पू नहीं करना, वरना आपकी हेयर की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो आपको शैम्पू करना है, बट 7वें दिन 6 दिन लगातार नॉर्मल पानी से वॉश करना है और ये क्लियर हो जाता है। मैं खुद लगाता हूँ, मैं अभी शैम्पू नहीं लगाऊंगा, नॉर्मल पानी से ही वॉश कर लूँगा। और 7वें दिन आपको शैम्पू करना है, और 7वें दिन शैम्पू करने के बाद आपको इस वीडियो में आना है और कमेंट करना है क्या क्या रिजल्ट मिला, आपको बताना है, क्योंकि रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, सिर्फ 7 दिन में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो रहे हैं। पहले इसको अभी अच्छे से लगा लेते हैं, और ऐसे ही आपको लगाना है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें कोई साइंस नहीं है, आराम से निकालो जो सोर लगा लो। रेड अनियन मैंने बताया, रेड अनियन ही रहेगी आगे। मैं अभी इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, वीडियो बनानी है, वीडियो बनाऊंगे, चम्पू लगूंगा, वीडियो बनाने के बाद मैं आगे भी लगा लूंगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है। तो आपने देखा कैसे मैंने लगाया, ये अभी यहाँ पे पूरा लगा लिया है, अभी बाद में पूरा अच्छे से लगाऊंगा। तो आपने देखा ऐसे लगाना है आपको भी। और अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में, क्या क्या फ़ायदा है और कैसे हेयर रिग्रोथ होगा, ये सब जो आप सुनना चाहते थे। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। इसमें सल्फर है, मैंने पहले बताया, सल्फर से आपकी हेयर की क्वालिटी अच्छी होगी, स्कैल्प की हेल्थ अच्छी होगी, और ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है, जिससे हेयर ग्रोथ और रिग्रोथ होगी, हेयर फॉल भी स्टॉप होगा। और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है जो आपकी स्कैल्प हेल्थ को, कोई भी इन्फेक्शन को अच्छे से रोक सकता है और हेल्प करेगा आपकी स्कैल्प हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा करे। अब बात करते हैं हेयर रिग्रोथ कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं अभी के अभी, अगर आपका चिकना है, गंजापन सालों से है, वहाँ पे कोई भी एकदम चिकना है, तो वहाँ हेयर नहीं आएंगे। लिख के दे रहा हूँ, हेयर तभी आएंगे जब वहाँ पे रोए हैं, रूट हैं, जड़े हैं, तभी आएंगे। ऐसे आपस अपने से इससे जड़ नहीं बन जाएगी मेरे भाई, ये नहीं है वो। आप मीनोक्सिड या कुछ भी यूज करते हो तो उसमें भी रूट रहती है, तभी वो रिग्रो होता है हेयर। तो आपको क्या है, अगर आपके रुएँ हैं और आपके वहाँ पे बाल ज़्यादा टाइम नहीं हुए गए, चिकने नहीं हुए, स्कैल्प चिकनी नहीं हुई है, तो आपके हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे। बट सिर्फ इसको लगाने से नहीं, इसको आपको लगाना है, इसके साथ साथ आपको डाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइट को मेंटेन रखना है, अच्छी प्रोटीन वाली डाइट लेना है, बायोटीन लेना है, ओमेगा 3 वगैरह सब कुछ लेनी है, और उसके बाद एक्सरसाइज में आपको हेड स्टैंड करना है।
स्टार्टिंग में 2 मिनट कर सकते हो, 3 मिनट कर सकते हो, 4-5 ऐसे करना है। हेड स्टैंड करो और इसको लगाओ रेगुलर। 1 मंथ तक आपने अगर इसको लगाया, और मैंने क्या बोला 7 डेज तक रेगुलर लगाना है, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट आपको खुद एहसास होगा। फिर उसके बाद वीक में 2 टाइम आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे 1 मंथ तक आपने अगर वीक में 2 टाइम यूज किया तो आपके अगर रुएँ हैं तो वहाँ पे हेयर रिग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ साथ आपको 1 मंथ तक रेगुलर हेड स्टैंड भी करना है। ऐसा नहीं सिर्फ आप ये कर रहे हो फिर उसके बाद आप खुद इस वीडियो पे आओगे, बहुत सारा थैंक यू लिख के जाओगे 100%। तो आपको क्या करना है, मैंने एकदम क्लियर बता दिया, अगर आपको हेयर रिग्रोथ करनी हो, बाकी जब हेयर रिग्रोथ हो रहा है तो हेयर ग्रोथ की बात ही नहीं, हेयर ग्रोथ अपने से होगा। और हेयर फॉल स्टॉप इसलिए होगा कि आप इसको लगा रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, हेड स्टैंड करोगे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और अपनी डाइट को अच्छा कर लोगे तो आपका हेयर भी स्टॉप हो जाएगा, हेयर फॉल भी स्टॉप हो जाएगा, और आपकी हेयर रूट जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जो आपकी स्काल्प हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये थी वीडियो, आई होप वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, अगर हेल्पफुल लगी आपके भाई का काम अच्छा लगा है सच में, और यहाँ तक मेरे भाई देखे हो वीडियो, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक एम तुम्हारा भाई 5000 रख रहा है, और मुझे बताया आप सभी बहुत 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 प्यारे हो, लाइक कर दोगे लाइक कर देना। और नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करना, और जो कमेंट करेगा और जो मतलब जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे वो वीडियो आ जाएगी 100%। जिस कमेंट में ज़्यादा लाइक होंगे तो आप कमेंट जरूर करना, और जितने भी कमेंट आएंगे सबके रिप्लाई तो हाँ भाई देगा। और हाँ मेरे भाई, अगर वीडियो सच में हेल्पफुल लगी है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऐसे फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियो तो हाँ भाई देगा, और आप सभी को वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।